नमस्कार। अभी रूस और यूक्रेन के बीच में बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहा है। आपको इसके बीच में एक चीज जाननी बहुत जरूरी होगी कि आखिर दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, तो क्या इन दो देशों के बीच में जब युद्ध होता है तो युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं क्या? क्या वो अपनी मर्जी से आए हर कहीं पे भी बम गिरा सकते हैं? जब चाहे जहां अपना बम गिरा के लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या इसके लिए कोई इंटरनेशनल युद्ध के नियम बने हुए हैं? अगर आप अपने इंडिया में पुराने जमाने देखोगे तो महाभारत रामायण में भी युद्ध के नियम थे। पुराने जमाने में भी युद्ध होते थे, राजा महाराजा और पौराणिक काल में भी युद्ध हुए थे, उन सब के लिए युद्ध के नियम बने थे और अभी भी युद्ध होते हैं। प्रेजेंट टाइम में भी उनके लिए भी कुछ युद्ध के नियम होते हैं, जहां उनकी मर्जी आए वहां बम नहीं गिरा सकते हैं। तो आप कहोगे सर ऐसे क्या युद्ध के नियम होते हैं? बिल्कुल, आज अपन वो चैप्टर जानेंगे कि युद्ध के नियम क्या हैं और ये युद्ध के नियम कहां बने और किन्होंने बनाए और क्यों जरूरत महसूस हुई इन युद्ध के नियम बनाने के लिए, इसके बारे में अपन जानेंगे। देखिए, 1939 से 1945 के बीच में सेकंड वर्ल्ड वॉर चला, यानी 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चला। अब आप मानोगे नहीं, ये द्वितीय विश्व युद्ध में तकरीबन 5 करोड़ लोगों की जान गई। आप 5 करोड़, जिसमें सैनिक भी आ गए और आम नागरिक भी आ गए। और इस युद्ध में पहली बार देखिए परमाणु बम का, न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल हुआ, लाखों करोड़ों लोगों की जान चली गई। जब यह सब हुआ तो पूरे विश्व ने सोचा कि यार जब देशों के बीच में युद्ध होता है तो आम नागरिकों को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ती, तो इसके लिए कुछ ऐसे युद्ध के नियम बनाने चाहिए कि इसमें आम नागरिक को नुकसान ना हो। इसके लिए क्या किया जाए? उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इन देशों को जरूरत पड़ी कि वाकई में युद्ध के नियम होने चाहिए। अब देखिए ये युद्ध के नियम कहां बने? 1949 में स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में युद्ध के नियम बनाए गए। 1949 में इसको आप अगर जीके में देखोगे तो इसको जेनेवा कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, जेनेवा कन्वेंशन। इसमें कुल 161 युद्ध के नियम बनाए गए, 161, और 196 तकरीबन 196 देशों ने इसको मान्यता दी। 161 नियम बनाए युद्ध के और 196 देशों ने इसको मान्यता दी, इन नियमों को। इसे लॉ ऑफ वॉर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लॉ ऑफ वॉर भी कहा जाता है। अब देखिए आप एक पॉइंट भी है इसमें, यह युद्ध के नियम कब लागू नहीं होते? देखिए आप, अगर किसी देश के अंदर लड़ाई चल रही है तो यह नियम लागू नहीं होंगे। एक देश दूसरे देश से युद्ध कर रहे हैं तब तो यह इंटरनेशनल युद्ध के नियम लागू होंगे, लेकिन अगर किसी देश के अंदर ही युद्ध चल रहा है, इसको कह सकते हैं अपन गृह युद्ध चल रहा है, तब यह नियम लागू नहीं होंगे। ये नोट करने की बात देख लेना आप। अभी नियम क्या है युद्ध के, कि किन किन लोगों पर हमला कर सकते हैं, कहां कहां हमला नहीं कर सकते हैं और क्या नियम है, देखिए आप। नंबर 1, आम नागरिकों पर हमला नहीं कर सकते। जब दो देश युद्ध कर रहे हैं तो सिर्फ बॉर्डर पे ही लड़ाई होगी। आप चाहो कि जब आम रिहायशी इलाके, आम नागरिक रहते हैं, वहां पर बम नहीं गिरा सकते हो। अगर आप ये करोगे ना तो सारे विश्व के सारे देश आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। युद्ध में स्वास्थ्य कर्मियों, पत्रकारों पर भी हमला नहीं किया जा सकता है। अगर युद्ध में स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं, किसी घायल सैनिकों को या किसी को भी, वहां पर एक हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, सब कुछ होते हैं, या पत्रकार हैं, उनके ऊपर हमला नहीं किया जा सकता है। रिहायशी इलाकों, इमारतों, स्कूल, कॉलेज और आम घरों को भी निशाना नहीं बनाया जा सकता है। देखिए आप,
रिहायशी इलाके, इमारतें, स्कूल, कॉलेज और आम नागरिक को भी युद्ध में निशाना नहीं बनाया जा सकता है। फोर्थ, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक धरोहरों और आम नागरिकों के लिए बनाए गए शेल्टर को भी निशाना नहीं बनाया जा सकता है। देखिए, ऐतिहासिक स्थल, कोई ऐतिहासिक स्थल हो गए, पौराणिक, उनके ऊपर भी निशाना नहीं बनाया जा सकता है युद्ध के दौरान। धार्मिक स्थल है, उनके ऊपर भी हमला नहीं किया जा सकता है। सांस्कृतिक विरासत है कोई, उसके ऊपर भी हमला नहीं किया जा सकता है। आम नागरिकों के लिए बनाए गए शेल्टर, यानी युद्ध चल रहा है, युद्ध के आम नागरिकों के लिए कोई शरणार्थी शेल्टर बनाए हैं, वहाँ पर भी हमला नहीं किया जा सकता है एक देश के दूसरे देश के द्वारा। फिफ्थ, युद्ध के प्रभावित इलाकों से आम नागरिकों को निकालने की जिम्मेदारी देश की होती है। अब युद्ध चल रहा है, चारों तरफ तबाही का मंजर है, वहाँ पर अगर आम नागरिक किसी देश से दूसरे देश जाना चाह रहे हैं तो उनको भी निशाना नहीं बनाया जाएगा। सिर्फ सैनिक होंगे, कोई सैनिक आपस में लड़ रहे हैं तो उनको ही निशाना बना सकते हैं, आम नागरिक निहत्ते लोगों पर हमला नहीं किया जा सकता है। सिक्स, अगर दुश्मन की सेना आत्मसमर्पण कर रही है तो उसके साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा। अगर मान लो एक देश किसी दूसरे देश से हार गया और वहां की सेना ने उस देश के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया, उस सेना ने, तो उस सेना के खिलाफ मानवीय व्यवहार किया जाएगा। यूं नहीं कि उसके खिलाफ अत्याचार किया जाएगा, उसको और टॉर्चर किया जाएगा, उसको फांसी की सजा दी जाएगी, नो नेवर, ऐसा नहीं किया जाएगा। युद्ध के नियम है, लॉ ऑफ वॉर के अनुसार उनके खिलाफ मानवीय व्यवहार किया जाएगा, कभी भी उनके खिलाफ अत्याचार नहीं किया जाएगा। सेवन, युद्ध के नियमों के उल्लंघन पर लॉ ऑफ वॉर के चैप्टर 44 के अनुसार देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है। अगर कोई देश इन युद्ध के नियमों का उल्लंघन करता है तो लॉ ऑफ वॉर, जेनेवा में जो नियम बने हैं, इनके चैप्टर 44 के अनुसार उस देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध हो रहा है और कहीं कहीं ये खबर भी आ रही है कि रूस युद्ध के नियम तोड़ रहा है। इस सब के बीच में आपको ये बात जाननी जरूरी है कि ये युद्ध के नियम क्या हैं, ये लॉ ऑफ वॉर क्या है, ये आज आपने जाना।